भाई ये हैंग कर गया, लिटरली चल ही नहीं रहा था भाई। आईफोन 15 प्रो मैक्स का तेरा हाल देख लो, ये बंद कर रहा हूँ, ऑन कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। Subscribe to YPM Vlogs and click the bell icon. Well, so what is up guys? YPM Vlogs back here. तो भाई क्या हाल चाल है? आप लोगों को पता भाई अभी iPhone 15 लॉन्च हुआ है और भाई क्या बताऊं, कल मैं एक्चुअली एक जगह शूट कर रहा था और iPhone 15 Pro Max जो है मेरा 1 TB वाला, मतलब सबसे जो महंगा मॉडल है इनका 2 लाख रुपए का जो इंडिया में है, भाई ये हैंग कर गया, लिटरली चल ही नहीं रहा था। मैं इसको देख रहा हूँ, कॉल भी रिसीव नहीं हो रही, सब कुछ, मतलब आप जरा देखना आज की वीडियो में हरी वो क्लिप्स वगैरह कि क्या पूरा सीन था। और मैं लिटरली देख के हिल गया कि मतलब iPhone 15 जैसा फोन इतना महंगा हैंग हो जाता है, जबकि जो सैमसंग का जो मेरा फोल्ड है वो आज तक कभी हैंग नहीं करा, जो मेरा सैमसंग का S23 था वो भी हैंग नहीं करा, 14 प्रो में भी सेम आती थी दिक्कत और भाई 15 में भी सेम दिक्कत आ रही है। क्या फायदा भाई इतना पैसा खर्च करने का, आप लोगों को दिखाता हूँ पूरा आज की वीडियो के अंदर क्या पूरा सीन हुआ था कल मेरे फोन के साथ में। अंकल जी के लिए गिफ्ट आया आज। हाँ भाई बहुत तगड़ा गिफ्ट है। ये स्कूटी आई है अंकल जी के लिए। अंकल चलाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ठीक है, क्या हो गया? ठीक है, वही पूछ रहा था भैया एक बार अगर चार्ज करेंगे कितना चल जाएगी, तो बोल रहे 70 किलोमीटर चल जाएगी। चलेगी इतनी आराम से 70 किलोमीटर चल जाएगी, क्या बात है यार। पीछे कितनी लंबी सी स्कूटी है, जरा देखो अंकल जी कह रहे हैं कि चलाते चलाते कितने आते आते दो सवारी भी बैठा लूंगा ना। हाँ ये बात भी सही है अंकल जी, 10 रुपए सवारी के हिसाब से पैसे भी कमा सकते हैं। देखो इतनी लंबी है ना, देखो वही तो उसको बैकरेस्ट बना रहे हो, नहीं तो इतनी लंबी स्कूटी है, इसमें रिवर्स गियर नहीं है, ये अच्छा ब्रेक नहीं है ध्यान से उसमें। अंकल जी को पापा ने एक नई स्कूटी गिफ्ट करी है आज। अंकल जी के लिए नया स्कूटी गिफ्ट, क्या बात। इसका 2500 रुपया सिक्योरिटी है, अच्छा कोई अगर चीज खराब हो जाए तो। हाँ। और प्लस 35,000 हाँ। मंथली 35,000 मंथली 35,000 क्यों बोला? नो, वो भाई कह रहा है क्या बोल गए 3500 रुपए मंथली ना, 35,000 मंथली तो कितना हो गया, स्कूटी 4 लाख रुपए की स्कूटी है। अंकल जी आप चलाओगे? अब आप उसको कर ले जाओ घर का, तो चार्ज करो घर पे ले जाओ। अंकल जी इतनी लंबी स्कूटी कहाँ मिलती है वैसे, देखो ना इतनी लंबी, इस पे तो डिग्री बॉय घूमते हैं। अभी ओला वाली इससे भी लंबी है। ओला ओला वाली आएगी। ये मेरी पुराने वाली केबल थी माइक की और ये ऑलमोस्ट ख़राब ही हो गई थी, मैं ट्रिप पे जाता ना तो ये ख़राब हो जाती है, इसलिए मैंने नई केबल मंगवा ली है रोड की SC2। सबसे मेन होती है भाई केबल, नहीं तो मैं रिकॉर्ड करता रहता, आवाज़ रिकॉर्ड होती ना ही ख़राब हो जाती। पापा ने स्कूटी जान के देखने के लिए लिया भी है कि ये अच्छी है कि नहीं, फ़ायदेमंद है कि नहीं, तो उसने 3500 रुपये लेने अंकल जी, यानी कि 100 रुपये दिन का पेट्रोल मान लो। हाँ ठीक है। और अब भैया अगर 100 रुपया अपने स्कूटी में पेट्रोल डालते तो कम से कम जो है पूरी दिल्ली नहीं आधी दिल्ली तो घूम लेते रोज। हाँ भैया, तो मतलब 3400 रुपये ये 3500 रुपये पापा ने बिल्कुल वेस्ट करे हैं। हाँ हमें तो लगता नहीं तो है। अंकल जी स्कूटी की डाउन पेमेंट करो। हाँ ठीक है, इतनी ही बढ़ती है, बट ये मेरे को बड़ा अजीब लगा। लेकिन अंकल जी वो चलानी तो आपको है ना, मेनली पापा का थोड़ी चलानी है, उससे आप अंकल डिलीवरी कर सकते हो। हाँ भैया बहुत जोमेटो में लगवा दूं मैं आपको, बिल्कुल भैया बहुत अच्छा रहेगा, फिर रोज आपको वही करना, फिर तो पैसा वसूल हो जाएगा। हाँ वसूल भी हो जाएगा, साथ में खाना पीना भी और खाओगे। स्टारबक्स वालों में ना एक ड्रिंक आई है पम्पकिन स्पाइस फ्रैपचिनो, ये स्पेशली सिर्फ हेलोवीन पे आती है, मैंने आज ये ली है, इसमें स्वीट भी नहीं है और स्पाइसी भी थोड़ा फ्लेवर है, कॉफी भी अच्छी है। भाई जस्ट इमेजिन कि आप रोड पे अकेले हो और आपके पास कोई भी नहीं है इस वक्त और आपके पास सिर्फ एक फोन है और वो भी हैंग कर गया है, वो चल नहीं रहा, सही बात तो क्या होगा भाई, वो भी 15 प्रो मैक्स। अंकल जी कह रहे हैं मेरा फोन एक साल में आज तक एक भी बार हैंग नहीं करा। नहीं किया भैया, नहीं किया, और इसने तो खुलते ही एक हफ्ते में अपना दिखा के जलवा किया, क्या चीज है। सही बात है, क्या यार आप जरा क्लिप देखो अब मोबाइल की कैसा ये हैंग हुआ था भाई। आईफोन 15 प्रो मैक्स का हाल देख लो, ये बंद कर रहा हूँ, ऑन कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, उनको जरा कॉल करता हूँ, देखना अगर कॉल रिसीव हो जाएगा बात कर लूँगा, देखो डिक्लाइन विक्लाइन करूँगा, कुछ नहीं होगा उसके बाद, देखो हैंग हुआ पड़ा मेरा, फ्रीज हो गया फोन एकदम, बिल्कुल हैंग हो गया। तो भाई 15 प्रो मैक्स का तेरा हाल देख रहा हूँ, हैंग हो गया नया वाला आईफोन, उसको जरा कर रहा हूँ रिबूट, देखना ये मैं इसको भी कर रहा हूँ हार्ड रीबूट पहली बार, मतलब भाई इससे ये वाली उम्मीद नहीं थी मेरे को इस पहले फ़ोन से कि भाई 15 प्रो मैक्स ऐसे हैंग हो जाएगा। चलो देखो भाई जाए मेरा ऑन होता ही नहीं होता, हो जाएगा ऑन, ऑन तो हो जाएगा, हिसाब है ऑन तो हो जाएगा, लेकिन
मतलब अंकल जी नया आईफोन जो अभी लॉन्च हुआ है हैंग हो गया। रात के देखो भाई फिलहाल 12:01 बज रहे हैं, अगर अगर आप ना अभी ना होते ये वाला फोन ना होता, मैं अगर अकेला होता क्या होता बताओ जरा। हमारा ये 20,000 वाला फोन हैंग नहीं होता। अब चल गया बट अब चल गया चल गया चल गया चल गया चलो ठीक भाई। बट ये क्या क्या किताब है, हिसाब किताब ही है खराब। बताओ आईफोन 15 भाई नया फोन अभी लिया है, 10 दिन भी नहीं हुए लिए हुए और हैंग। मैं जल्दी जल्दी भागता हुआ घर आया हूँ बिकॉज आज रूम की क्लीनिंग होना बहुत ज़रूरी था। देख रहे हो यहाँ पे भी गंदगी है और ये वाला रूम एक्चुअली मैं 2-3 दिन से नहीं आया तो इसलिए साफ करना बनता था आज। ये ट्रैक देखो यार, ये भी ऐसे पड़ा हुआ है, इसकी गाड़ी भी साफ करनी पड़ेगी। मम्मा केक तो खा लिया करो, मैं आपके लिए लाता हूँ इतना दूर से। पापा मम्मा आपके लिए लाया हूँ मैं, पापा तो खाता ही नहीं। अच्छा खाना खा के जबकि बैठे हो गए हम पहले से। भाई रिएक्शंस जरा देखना कैसे आते हैं यार, इसको कहीं पर भी ले जाओ। मैं भी तो अभी जिम जा रहा था बट सब लोग देखते हैं भाई, कह रहे ये क्या डब्बा है, ऐसे बोलते हैं। देखो वो देखो यहाँ पे देख जा रहा है देखने के लिए, वो देखो कह रहे इसमें दरवाजे ही नहीं है। फाइनली आज जिम के दर्शन होने वाले हैं, 2 हफ्ते के बाद जिम जा रहा हूँ आज, अब लगातार करूँगा ये बात तो पक्की है। एंड स्टार्ट हो गया मेरा कार्डियो सबसे पहले आते ही, और गाना क्या बज रहा है एक नंबर का। हाँ भाई आईफोन ले रहे हो आप भी, 15 ले लो मैं तो कह रहा हूँ भाई। ये तो हमेशा इनको मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि भाई पुश करा था, ले लो ले लो ले लो ले लो, मैं तो कह रहा हूँ 14 ले लो, 14 भी अच्छा है। सरप्राइज वो तो मेरे को लगता है 20 साल लोगे तुमको, चूल मची हुई है। वैसे देखो कितनी क्यूट लग रही है खड़ी हुई है, अभी गोपाल भाई को ड्रॉप करने के लिए आए थे लेकिन भाई उन्होंने भी बोला कि ये बच्ची सी है लेकिन भाई बहुत सही लगती है। भाई लेजिट बता रहा हूँ लोगों को तमीज़ नहीं है गाड़ी चलाने की, ज़रा देखना यार ये बीच रोड में भी घुसे पड़े हैं उधर से। अब भाई अगर मार्केट लगी हुई है तो बीच में स्कूटी खड़ी कर दी। भाई अभी ट्रिप की प्लानिंग हो रही थी, पापा मम्मी कह रहे हैं हम भी और तेरे साथ चल लेते हैं, और अभी दिक्कत पता है कैसे शनिगन वीज़ा है ना उसकी जो डेट है वो बहुत ज़्यादा लेट की मिल रही है। तो पापा मम्मी से वही बात चल रही है कि अभी वो भी चलना था तो पहले अप्लाई करते हैं बट कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाते हैं। हाँ आपको केक खाना है, ये ऐसे कौन खाता है? अंडा है इसमें? हाँ इसमें अंडा है, इसमें क्या है? मैं केक में तो अंडा होता ही है, इसमें क्या होता है? ब्रांडिंग तो उन्होंने ऐसे करी हुई है ना कि मतलब टाइटेनियम सो स्ट्रॉन्ग सो लाइट। स्ट्रॉन्ग का तो मुझे पता नहीं यार बिकॉज लोग बोल रहे हैं टूट रहा है, बट भाई ये ज़रूर जो चीज़ है ना मैं ये लेने वाला हूँ बिकॉज ये जो बहुत क्रेजी चीज़ है एंड आई थिंक इसके लिए मैं US जा सकता हूँ बिकॉज ये सिर्फ अभी US में लॉन्च होगा जनवरी के अंदर। देखो यार जो आईफोन है ना वो एक तरह से है तो गैजेट ही ना, तो मशीन ही है, खराब अगर हुई तो कोई बात नहीं ठीक भी अपने आप हो गई। बट मैं ही सोच रहा था कि अगर मैं अकेला होता और कोई आसपास ना होता और फ़ोन हैंग हो जाता तो क्या होता। बट चलो छोड़ो अपने ख़त्म करते हैं आज के ब्लॉग को, यहीं पर ही मिलता हूँ उसमें नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय एंड स्टे सेफ भाई। अब आप बताओ अब आप लोगे या नहीं लोगे आईफोन 15।